गाइज अगर आप वैलोरेंट गेम खेल रहे हो और उस गेम को खेलने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर इस तरह का एरर आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ग्राफिक्स ड्राइवर है वो क्रैश तो नहीं हो गया है। तो आपको सबसे पहले उसे यहाँ पे चेक करना है। और आप उसे यहाँ पे कैसे चेक करोगे, आपको अपने लैपटॉप के या आपको अपने सिस्टम के कीबोर्ड पे विंडोज प्लस आर बटन को यहाँ पे प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आपका रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, DXDIAG कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने डायरेक्ट एक्स डायरेक्ट मॉक्स टूल को आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे उसे ओपन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ओपन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका जो ग्राफिक्स ड्राइवर है वो क्रैश हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा डायरेक्ट एक्स 12 यहाँ पे मेरे सिस्टम में है। और अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन में अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। डिस्प्ले वाले ऑप्शन में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो ग्राफिक्स है वो इंटेल का ग्राफिक्स लगा हुआ है, इंटेल HD ग्राफिक्स 5500। आपका किसी भी कंपनी का ग्राफिक्स लगा हुआ है, इंटेल का लगा हुआ है या एनवीडिया का लगा हुआ है या AMD रेडियन का लगा हुआ है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस नोट्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चेक करना है और देखना है कि यहाँ पे कुछ मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है नो प्रॉब्लम फाउंड, मैंने यहाँ पे मेरे ग्राफिक्स में यहाँ पे किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेरा नोट्स में यहाँ पे नो प्रॉब्लम फाउंड लिखा हुआ है। अगर आपका ग्राफिक्स में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो इसे चेक करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे एग्जिस्ट करना है, मैंने इसे बंद करना है। और बंद करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने ड्राइवर को, जो ग्राफिक्स ड्राइवर है, आपको उसको एक बार अपडेट कर लेना है। और आप उसे अपडेट कैसे करोगे, आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे मेरा डिवाइस मैनेजर यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद और आप अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले एडाप्टर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जो आपका ग्राफिक्स का ऑप्शन है, आपको करना क्या है कि आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी ड्राइवर को आप अपडेट कर रहे हो, तो अपडेट पर करने से पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम में, आपको अपने लैपटॉप में चेक कर लेना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है कि नहीं, तभी जाकर किसी भी ड्राइवर को आपको अपडेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल, जैसे मेरे डिवाइस में जो बेस्ट ड्राइवर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऑलरेडी अपडेटेड है। अगर आपका वो ड्राइवर अपडेटेड नहीं होगा, इंस्टॉल नहीं होगा, तो यहाँ पे वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन केस अगर आपका ये ड्राइवर अपडेट नहीं होता है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ड्राइवर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर वापस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। अगर आपका वो ड्राइवर अपडेट नहीं होता है ऑटोमेटिकली वे में, तो आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे ये सेकेंड वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का क्लिक करने के बाद, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स का आपके यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको कुछ ड्राइवर आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा दो ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर इनकेस आपके केस में हो सकता है यहाँ पे सिंगल एक ड्राइवर शो होगा, या हो सकता है आपको भी दो ड्राइवर शो हो या थ्री ड्राइवर शो हो या फोर ड्राइवर शो हो, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको उन सभी ड्राइवर को एक एक कर इंस्टॉल करके चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो एरर सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये पहले वाले ड्राइवर को यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि अब यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन होगा, तो आपको इसे नेक्स्ट करना है और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका वो एरर जो है वो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो वैलोरेंट आपका जो गेम है उसे प्ले करके चेक करना है कि वो एरर जो आ रहा था, जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम
तब भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इन केस तब भी आता है तो आपको अब यहाँ पे ये सेकंड वाले ड्राइवर को सिलेक्ट करना है, इसे इंस्टॉल करना है, फिर आपको चेक करना है कि आपका वो एरर जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपका जो वो प्रॉब्लम मान के चलिए वो प्रॉब्लम आता है तो अगर आपका यहाँ पे और भी अनदर कोई ड्राइवर यहाँ पे है तो आपको उसे सिलेक्ट करके इंस्टॉल करके चेक करना है कि वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे इन सभी प्रोसेस को करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वो एरर जो है वो एरर से रिलेटेड आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे आपके ड्राइवर को मैन्युअली तरीके से मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, जो आपके सिस्टम का, जो आपके लैपटॉप का जो भी मॉडल है आपका लैपटॉप का, जो भी सीरियल नंबर है, जो उसका जेन्युइन ड्राइवर है, उससे डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए बताऊंगा, मैंने उसे अपडेट करने के लिए बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अगर आपका वो एरर तब भी आ रहा है तो तब भी आपका वो एरर आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है तब आपको ये प्रोसेस को करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है डेल ड्राइवर। अगर आपका एचपी का है तो आपको यहाँ पे एचपी ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है, एचपी ड्राइवर। अगर आपका लिनोवो का है तो आपको लिनोवो ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका आसूस करता है तो आपको आसूस ड्राइवर टाइप करना है। अगर आपका MSI करता है तो आपको MSI आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप है वो डेल का है तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ। और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे आपको डेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे ही आपको ड्राइवर एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको उसी ऑप्शन पे आपको वहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का सर्च बार आपके सामने शो होगा, और ये जो सर्च बार है वो सभी कंपनी के मैंने सभी कंपनी के वेबसाइट में शो होता है ये जो सर्च बार है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। और जिन लोग को मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है तो उन लोग को मैं बता दूं कि आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा, और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने इस सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा यहाँ पे सजेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा लैपटॉप का सजेशन का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका भी यहाँ पे लैपटॉप का सजेशन का ऑप्शन यहाँ पे शो होता है तो आप डायरेक्टली आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस पर ही क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद और आपके सामने आपके लैपटॉप का जो मॉडल है और आपका सीरियल नंबर है, जो भी डिटेल है, आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और आपका किस भी कंपनी का आपका वेबसाइट है आपको वहाँ पे भी आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, अपवर्ड की ओर या डाउनलोड की ओर, मैंने कहीं पे भी आपको वहाँ पे शो होगा ही होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसी ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे यहाँ पे मैं उस ऑप्शन पे आ गया हूँ, उस ऑप्शन पे आने के बाद और मैं यहाँ पे जो ड्राइवर को डाउनलोड कर रहा हूँ, ग्राफिक्स ड्राइवर को जो डाउनलोड कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, वो मैनुअली तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैनुअली फाइंड स्पेसिफिक ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे फाइंड ड्राइवर का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा लैपटॉप के रिलेटेड जितना भी ड्राइवर है, बायोस रिलेटेड, वाईफाई रिलेटेड, ग्राफिक्स रिलेटेड, टोटल ड्राइवर यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जितना भी अपडेटेड ड्राइवर है, जो भी आपका लैपटॉप का जेन्युइन ड्राइवर है, आपके स्पेसिफिक आपके लैपटॉप का आपके मॉडल नंबर का जो जेन्युइन ड्राइवर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा जो अपडेटेड रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ग्राफिक्स ड्राइवर का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, इंटेल ग्राफिक्स ड्राइवर। अगर आपका एनवीडिया का है तो आपको यहाँ पे एनवीडिया ग्राफिक्स ड्राइवर शो होगा। अगर आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो AMD का है, AMD रेडियन का है, तो आपके यहाँ पे AMD रेडियन यहाँ पे शो होगा। जैसे मेरा यहाँ पे इंटेल का है तो यहाँ पे इंटेल HD ग्राफिक्स ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जो ग्राफिक्स ड्राइवर है और यहाँ पे जितने भी ड्राइवर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो कंपनी वाले यहाँ पे अपडेट करते ही रहते हैं, बीच बीच में अपडेट करते ही रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी ड्राइवर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको चेक करना है, मैंने इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर लेना है।
और मैं यहाँ पे जितना भी प्रोसेस बताया हूँ अभी तक और जितना भी प्रोसेस बता रहा हूँ उन सभी प्रोसेस को करने के बाद आपको सिस्टम को एक एक बार रीस्टार्ट करना है। मैं आपको बता दूँ एक एक बार रीस्टार्ट करना है क्योंकि रीस्टार्ट करना कंपलसरी है। तो रीस्टार्ट करना है, फिर आपको चेक करना है उस गेम को प्ले करके कि वहाँ पे वो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनकेस तब भी वो प्रॉब्लम आ रहा है या तब भी आपका यहाँ पे वो ड्राइवर यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता है, इंस्टॉल नहीं होता है, किसी भी प्रॉब्लम के कारण आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और भी प्रोसेस बता देता हूँ अपने ड्राइवर को डाउनलोड करने का। जैसे अगर आपका यहाँ पे इंटेल का है तो आपके यहाँ पे इंटेल का वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने इंटेल के वेबसाइट में जाकर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे अगर आपका एनवीडिया का है, एनवीडिया जी फोर्स का है, तो आपके यहाँ पे भी उसका ऑफिशियल वेबसाइट शो होगा। तो आपको करना क्या है कि अपने लैपटॉप का मॉडल को आपको यहाँ पे सर्च करना है कि आपका क्या है, RTX है या MX है, GTX है, क्या है, और यहाँ पे उसे सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपका AMD का है, AMD रेडविन का है, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड भी आपके यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मैनुअली तरीके से डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको अपने मॉडल को सिलेक्ट करना होगा कि आपका कौन सा मॉडल है, AMD रेडियन RX है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपका जिस भी कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड है, तो आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका यहां से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो आप यहां से भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इंटेल का और AMD का, मैंने एनवीडिया का और AMD का, इन तीनों वेबसाइट का मैं जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से वापस से चेक करना है, मैं रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद चेक करना है कि आपका जो वो प्रॉब्लम आ रहा था, जो आपका एरर आ रहा था, वो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनकेस अगर इन सभी प्रोसेस को करने के बावजूद भी, मैं अभी तक जितने भी प्रोसेस बताया हूँ, इन सभी प्रोसेस को, इन सभी स्टेप को करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो अब आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको फाइनल ये प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और आपको यहाँ पर अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ, रीस्टोर करने से पहले जैसे मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों को मालूम नहीं कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा। और पीछे जाने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा था वैलोरेंट से रिलेटेड, जो प्रॉब्लम, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम आज आ रहा है और 2-3 दिन पहले ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, तो आप अपने सिस्टम को 2-3 दिन पीछे शिफ्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे शिफ्ट करोगे, तो आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपको करना क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सिंगल यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपके केस में अगर आपके यहाँ पे 2, 3, 4, 5 अगर और भी आपके यहाँ पे डेट्स आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है, आपको उस डेट को वहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसी डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, और आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे फिनिश कर देना है, और आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में किन-किन लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन-किन लोगों का 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके सिस्टम का डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा रीस्टोर करने के दौरान। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपको अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है, और रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम, जो एरर आ रहा है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।